I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. चलो पूजा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। नीचे सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो मैंने अपना वादा निभाया, अब मुझे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब इस दिल में कोई उलझन नहीं कि तुम जा रही हो। देखो कितने प्यार से तुम्हारे होने वाले जीवन साथी ने मुझे भेजा तुम्हें लाने के लिए, अपना बेस्ट मैन बना के, अपना सबसे प्यारा दोस्त बना के। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ होगा ना, शायद ये पहली बार है कि एक पति ने अपने पत्नी की शादी किसी और से कराई हो। शिव, अच्छा नहीं हुआ मैंने तुम्हें क्यों माफ नहीं किया। मेरा दिल तुम्हें इतना चाहकर भी क्यों खुद से इनकार करता रहा। मैं क्या करूं शिव, अब मैं क्या करूं। शादी की विधि की वो आग जिसके गिर्द हमने फेरे लिए थे, वो आग अब मेरे सीने में चल रही है। तुम्हारा नाम मिटने नहीं देती, मिटने नहीं देती। पूजा, राज्जी हमारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, उनके सारे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें अब चलना चाहिए। तुम शिव को जानती थी पर मुझे बताया तक नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे और मुझे पता तक नहीं चला। तो यही है वो आदमी पूजा जिससे तुम्हारी शादी हुई थी, यही है वो आदमी जिसे तुम आज तक कभी भुला ना सकी। तो यही है वो जिससे तुम्हारे दिल ने इतनी मोहब्बत की थी। जिसकी भूल को सजा देकर तुमने खुद को सजा दे दी। कहानी तुम दोनों के बीच शुरू हुई थी। अब बताओ इसका फैसला तुम दोनों करोगे या फिर मैं। सुनते हैं कि प्यार की दुनिया में दो दिल बड़ी मुश्किल से समाते हैं। जहां तक मेरी समझ जाती है और मेरा दिल कहता है, तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अब जिंदगी की दौड़ में कौन सही है, कौन गलत, क्या सच है क्या झूठ, किसे सजा मिलनी चाहिए किसे माफी, अब ये हम जैसे आम इंसान तो तय नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर तय कर सकते हैं तो सात फेरों का बंधन
और 7 जन्मों का साथ, और हर एक फेरों पे लिया गया एक वचन जो इतनी आसानी से बुलाया नहीं जा सकता। हाँ पूजा, यही तो वजह है कि तुम्हारे कदम रुक गए, तुम्हारी आंखें वो रस में देख ही नहीं पाई, तुम्हारा दिल शिव के अलावा किसी और को चाह ही नहीं सकता। पूजा, कागज के टुकड़े पर दस्तखत करने या ना करने से रिश्ते बनते या मिटते नहीं। जो नाम एक बार किसी के दिल पे लिख दिया जाए फिर उसे उम्र भर मिटाया नहीं जा सकता, और तुम्हारे दिल पे तो बस सिर्फ शिव का नाम है। कल जब तुम दोनों ने अपना रिश्ता तोड़ा था, उसे तोड़ते वक्त उसके पीछे ना कोई समझाने वाला था ना कोई रोकने वाला, और अब देखो देखो तुम दोनों कहां पहुंच गए हो। तकदीर वाले होते हैं वो लोग जिनके कंधे पर किसी का हाथ होता है। जो राह तुम्हारे समझ में नहीं आई वो राह तुम्हें मैं दिखाऊंगा। टूटे हुए रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए मैं जोड़ूंगा। We're checking out your keys. And how was your stay, sir? Oh, very I hope well. Aapka conference successful raha. Aur hamare hotel mein aapka stay aaramdayak raha. Definitely. Thank you. And we hope to see you soon again, sir. Mr. Shiv Kapoor. Thank you very much. Chalo. Shiv? Shiv Kapoor? Is that you? Simi? Oh my God, Simi! Tum yahan kya kar rahi ho? What a surprise! Surprise to tum mujhe de rahe ho. 7 saal ho gaye hame mile hue. Haan? My God, 7 साल हो गए? Gosh, how time flies. Oh, by the way, Simi, this is my wife Pooja. Pooja, this is Simi. हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे. Hello. Hi. Shiv, I must say your wife is very beautiful. You know what, Pooja? In college, Shiv was the most handsome man, but he never looked at any of the girls. सिर्फ अपने books, पढ़ाई और sports में busy रहता था. लेकिन अब तुम्हें देखकर ये एहसास हो रहा है कि कमाल की नजर थी. क्योंकि जब देखा, तो तुम्हें देखा. Actually, Shiv, मैं यहाँ conference पे आई हूँ. We can have dinner, catch up on old times. खाना तो खाओगे ना? हाँ? चलिए. Come on. What happened? For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.